चारों तरफ जो है ये आबादी है, पहले तो ये दिखाए चारों तरफ जो है आबादी है, ऑलरेडी रिहायशी है। ऐसे प्रोजेक्ट आप, नए प्रोजेक्ट आपको इस लोकेशन पे मिलना इम्पॉसिबल है। ये हमारा 2-bed DD और 3-bed DD जो अपार्टमेंट है, कि आपका किचन है, किचन से आप बेल्कनी में जाएंगे, बेल्कनी से उसका रूम का रास्ता हो। जी हाँ दोस्तों, गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 17 जोहर चौरंग की सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की ड्राइव पे मौजूद हूँ। 3-bed DD है वो 1700 square feet के ऊपर भी प्लान किया है, ठीक है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 के अंदर प्राइम लोकेशन, आरिफ प्राइड, नुमान ग्रैंड, हाशवानी हॉस्पिटल के इलेक्ट्रिक, ये साइट है और यहाँ पे ये बनने जा रहा है बड़ा जबरदस्त किस्म का 12 फ्लोर का टावर। अच्छा, 3-bed DD के अंदर हमने जो चीज इंट्रोड्यूस कराई है, जो आपको इंशाल्लाह यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगी, वो है मेड रूम। एक दफा प्राइस बता दे मेरे व्यूअर्स को। ठीक है, अंदर हमने पार्क, ठीक है, मस्जिद, ठीक है, कम्युनिटी हॉल और प्रॉपर जर हमने अंडरग्राउंड पार्किंग दी है, ठीक है। से या रिहायशी पर्पज से चीज ले लेगा वो हमारी गारंटी है कि जिंदगी भर हमें दुआएं देगा। और एमल टावर कराची में जो भी बुकिंग करवाता है उसको पार्किंग फ्री अलॉट। किसी भी बिल्डर के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, वो आपको बताता है अरे इतना स्क्वायर फिट है, इतना स्क्वायर फिट है। अब जौहर के अंदर मेजोरिटी, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑफर या ये जो पैसे हमने अभी तय किए हुए हैं ये बड़े लिमिटेड टाइम के लिए। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की प्राइम लोकेशन गुलिस्तान जौहर। जी हाँ दोस्तों, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 जौहर चौरंग की सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की ड्राइव पे मौजूद हूँ। और मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा ये जबरदस्त किस्म का, यहाँ पे एमएल टावर के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। इस्लामाबाद में एमएल टावर की कंप्लीट करने के बाद वही बिल्डर यहाँ कराची में आ गया है और यहाँ पे प्री लॉन्चिंग आज तकरीब है फ्लैट की। अगर आप किराए के घर में रहते हैं या आपको इन्वेस्टमेंट करना है या अपने लिए घर लेना है तो बड़ा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ये चारों तरफ जो है ये आबादी है, पहले तो ये दिखाए चारों तरफ जो है आबादी है, ऑलरेडी रिहायशी है। ऐसे प्रोजेक्ट आपको मेरे ख्याल में कराची में आपको बहुत ही रियर केस में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे बल्कि इस टाइप के प्रोजेक्ट। आए कैमरा मैन अंदर आए तो साइड भी विजिट करा देते हैं। ये आपने देख ली फ्लैट वगैरह सारी चारों तरफ है और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये साइट है पूरी, ये साइट है और यहाँ पे ये बनने जा रहा है बड़ा जबरदस्त किस्म का 12 फ्लोर का टावर, जिसमें 2 फ्लोर जो है नीचे मेज़नाइन में पार्किंग होगी, बाकी रिहायशी होंगे। इसमें 3-bed DD और 2-bed DD की कैटेगरीज हैं। तो अंदर चलते हैं, बिलाल भाई हमारे साथ होंगे, पूरी डिटेल आपको देंगे, आए मेरे साथ। तो दोस्तों अभी मैं ऑफिस में आ गया हूँ, एमएल टावर के कैमरा मैन दिखा सकता है, यहाँ स्टाफ बैठा हुआ है जो अगर आप आएंगे तो आपको अच्छी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से आपको गाइड करेगा। तो हम चलेंगे अभी बिलाल साहब के पास जो कि यहाँ के मार्केटिंग के हेड है, उनके रूम में, और मजीद मालूमात आपको पूरी मुकम्मल तौर पे देंगे। तो बिलाल भाई अंदर है, हम अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बिलाल साहब, खैरियत? ठीक ठाक, ठीक ठाक है, बिल्कुल। और सुनाए, ठीक है? बिल्कुल अलहमदुलिल्लाह। बिलाल साहब मैं आपके पास आया हूँ कि आबादी के बीच में आजकल जो बिल्डर है कराची से बाहर जा रहे हैं और हाईवे पर वहां प्रोजेक्ट आबाद कर रहे हैं और आप बिल्कुल कराची के बीच में और जौहर के पोश एरिया में ब्लॉक 17 में ऐसा टावर खड़ा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा मेरे व्यूअर्स को बताएं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच के आप आए और आज हमारा एक छोटा सा सेल्स इवेंट भी है। देखें, बहुत सारी सोसाइटीज, बहुत सारी हाउसिंग, इनफैक्ट कि हमारी एक हाउसिंग खुद जो है M10 स्कीम 45 पे मौजूद है, ठीक है। लेकिन शहर के अंदर लोगों की रुझान होता है कि आबादी के बीच में एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जो तमाम सहूलियात के साथ मैसर हो, ऐसा ही, और लग्जरी भी हो, क्योंकि आजकल लोगों की जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो उनको बड़े रूम, कुशादा अपार्टमेंट और तमाम एमिनिटीज के साथ, तो उन्हीं चीज को देख, उसी चीज को देखते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को प्लान किया है, ठीक है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 के अंदर प्राइम लोकेशन, आरिफ प्राइड, नुमान ग्रैंड,
आशवानी हॉस्पिटल के इलेक्ट्रिक एफबीआर ऑफिस तो सारे वो पॉइंट्स हैं जो मेरे ख्याल से आप किसी भी दूसरे पर्सन से पूछे उसको पता होता है। ऐसा ही है तो एक नोन जगह है बिल्कुल। अच्छा बेसिकली ये शंग्रीला बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है एमल टावर कराची, ठीक है। अच्छा एमल टावर इस्लामाबाद भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो डिलीवरी की तरफ है, कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। इस्लामाबाद में हमने शंग्रीला कम्फर्ट भी किया, ठीक है। तो एक बड़ी वास्ट प्रोफाइल है बिल्डर की और जो है बहुत अच्छे काम किए हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स हैं आज से काम नहीं कर रहे हैं, अराउंड 90s से काम कर रहे हैं। हमारा एक और प्रोजेक्ट भी आगे ब्लॉक 15 में बना हुआ है शंग्रीला टावर, तो वो भी बिल्कुल जो है इन्हीं का ही प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ चीजें एक्स्ट्रा इस तरीके से यूनिकनेस दे रहे हैं, वो ये कि हमारा 2-bed DD और 3-bed DD जो अपार्टमेंट है तो उसका जो स्क्वायर फिट है बड़े अच्छे हैं, बड़ा अपार्टमेंट है। लेट सपोज अगर मैं 2-bed DD की बात करूँ तो 1250 square feet के ऊपर है। इसी तरीके से हमारा जो 3-bed DD है वो 1700 square feet के ऊपर भी है, 1800 पे भी है, 1900 पे भी है और 2005 square feet के ऊपर भी, उसमें वेरिएशन है हमारे पास। अच्छा 3-bed DD के अंदर हमने जो चीज इंट्रोड्यूस कराई है जो आपको इंशाल्लाह यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगी वो है मेड रूम। मेड रूम बिल्कुल जबरदस्त, क्या आपके अपार्टमेंट में जो है जब कभी भी, क्योंकि देखिए आज की जरूरत है, हर घर के अंदर हेल्पर की नीड होती है या आपका खान सामा आपके साथ होता है तो आप नहीं चाहते कि अपनी प्राइवेसी डिस्टर्ब करें, बिल्कुल। तो हमने उसको एक सेपरेट बैल्कनी से रास्ता दिया हुआ है उसका, वहां पर रूम बाहर से है बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका किचन है, किचन से आप बैल्कनी में जाएंगे, बैल्कनी से उसका रूम का रास्ता होगा, ठीक है। फिर अपने रूम में एंटर होगा और उसके साथ उसको वॉशरूम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका एक प्राइवेट सेपरेट जगह है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम तकरीबन ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 70% ओपन एरिया दे रहे हैं फॉर एमिनिटीज, जिसके अंदर हमने पार्क, ठीक है, मस्जिद, ठीक है, कम्युनिटी हॉल और प्रॉपर जिम ये हमने रखा, ठीक है। फिर दीगर लोगों की रिक्वायरमेंट ये होती है कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो वहां पे गिनती की 2 lifts होती हैं, हम 5 lifts दे रहे हैं जिसके अंदर 2 cargo और 3 पैसेंजर, जबरदस्त बिल्कुल, ठीक है। अच्छा फिर जौहर की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि आजकल जो है आबादी बहुत ज्यादा हो गई है और जैसे आबादी बढ़ रही है तो वैसे गाड़ियां भी बढ़ रही हैं बिल्कुल। अच्छा और अभी के इशू भी हो रहे हैं बिल्कुल। अच्छा अभी ही आपने देखा होगा कि आप जब यहाँ पे आए तो लोगों का रश भी बिल्कुल ऐसा ही है और गाड़ियों का भी बड़ा इशू है बिल्कुल। तो हम उसी चीज को देखते हुए अपने जो प्लान है उसके अंदर हमने अंडरग्राउंड पार्किंग दी है, ठीक है, लोअर बेसमेंट और अपर बेसमेंट यानी B1 बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2 के ऊपर हमारी पार्किंग है। अब इसमें बड़ा अहम सवाल लोगों का ये आता है कि क्या आप पार्किंग के चार्जेस लेंगे, क्योंकि अमूमन होता ही है ऐसा ही होता है बिल्कुल। तो मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह एमल टावर कराची में जो भी बुकिंग करवाता है उसको पार्किंग फ्री अलॉट होती है, यानी रिजर्व पार्किंग फ्री अलॉट है, जबरदस्त। तो सर अच्छा फिर इसके साथ साथ ये है कि आप अगर प्रोजेक्ट को पूरा गो थ्रू करें उसकी तमाम एमिनिटीज को देखें उसके स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है। इसमें एक बड़ी वाजे चीज मैं आपको बताऊं, ये असल में जो अपार्टमेंट में रहते हैं ना वो ये चीजों को समझते हैं, ठीक है, कि आप जब किसी भी बिल्डर के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं वो आपको बताता है अरे इतना स्क्वायर फिट है इतना स्क्वायर फिट है। अब जौहर के अंदर मेजॉरिटी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 750 square feet से शुरू होते हैं और 1000 square feet पे खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही। लेकिन जो हमारा 2-bed DD है वो शुरू ही तकरीबन जो है वो 1234 square feet से हो रहा है। मतलब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मतलब जौहर में आप क्लिफ्टन वाले अपार्टमेंट टाइप लॉन्च कर रहे हैं सर, मैं यही समझा। हाँ, इसमें आप कह सकते हैं क्लिफ्टन डिफेंस में जो सर इस्लामाबाद के अंदर जो है हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है कि लोग जो है ना स्पीशियस जगह चाहते हैं, लग्जरी एनवायरमेंट चाहते हैं। हमने अपने जौहर वाले लोगों को वो एनवायरमेंट दिया है, अब आप उसको क्लिफ्टन या इस्लामाबाद से मिला लें, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम उनको वो चीज ऑफर करें जो उनके बच्चों के लिए उनके लिए बेहतर हो, सही है। अब लोग यहाँ पे 20-20 सालों से 25-25 सालों से रह रहे हैं, पुरानी कंस्ट्रक्शन हो गई है, लोग छोटे कमरे हैं। अब अगर आप हमारा लॉन्च का साइज देखें, आप जो है हमारा जो है वो उसका बेडरूम साइज देखें, तो ये बड़े स्पीशियस साइज हैं। और हाँ, जी जी बोले। और इसी के साथ बस आखिरी बात यहाँ मैं कंप्लीट करूंगा कि जो रूफ है बिल्डिंग का जो टॉप है रूफ,
क्योंकि ग्राउंड प्लस 12 है ये बिल्डिंग, तो एतराफ में आपको ऐसी बिल्डिंग नहीं मिलेगी एक तो, क्योंकि जो भी यहाँ पे फोर्थ फ्लोर से इसी तरफ आ रहा था, बिल्कुल फोर्थ फ्लोर से जो ऊपर होगा तो उसको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 200 फीट ऐसा ही। अब रूफ पे होता क्या है कि बिल्डर कहता है कि भाई मैं तो पेंट हाउस बना लेता हूँ, ऐसा ही होता है, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जो टॉप फ्लोर पे 12 फ्लोर पे जो बंदा रहता है उससे वो बोलता है कि मैं 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए में तुम्हें छत भी दे देता हूं। ऐसा ही है। अच्छा, इससे क्या होता है कि आपकी जो कम्युनिटी है उसमें आप उसको फिर कम्युनिटी नहीं कह पाते, बिल्कुल वहां तो आपने फेवरेटिज्म कर दिया ना, बिल्कुल, किसी बिल्कुल एक के लिए बिल्कुल, वो चीज कर बिल्कुल, ऐसा ही। तो यहाँ पे हम ये चीज नहीं कर रहे, जैसे मैंने आपको बताया कि 70% नीचे एमिनिटीज दे रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो रूफ है उस रूफ के ऊपर प्रॉपर हम एक लग्जरी इन्वायरमेंट दे रहे हैं जहाँ पे ग्रास होगी और ग्रास के साथ पूरा आर्ट वर्क होगा जहाँ पे फैमिलीज अपनी सिटिंग एरिया करेंगी, शाम में अपनी चाय एंजॉय करें, मतलब बारिश एंजॉय करें, जबरदस्त जैसा मौसम है उसको वो एंजॉय करें। दोस्तों बाकी क्या चाहिए। अच्छा, एक और बात बिलाल भाई, मैं ये देखा है कि इस जिस आबादी में आप बना रहे हैं यहाँ पे मेरे ख्याल में बहुत पुराने प्रोजेक्ट हैं, ये वाहिद प्रोजेक्ट होगा इस आबादी में आपको दोस्तों मिलेगा, नए प्रोजेक्ट आपको इस लोकेशन पे मिलना इम्पॉसिबल है। ऐसे ही है, क्योंकि देखे ना जब आप इस तरफ आबादी देखते हैं, बिल्कुल, तो ये तो वो हिस्सा है जहां आबादी पूरी नहीं हो गई, एक्सीड कर चुकी है। ऐसा ही है। अब ये लोगों के लिए एक समझे कि वो कहते हैं ना कि कोई ऐसी चीज दो जो राहत का बायस बन जाए, बिल्कुल। तो वो जब से हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसको लेके बड़े पॉजिटिव रिव्यूज हैं, बिल्कुल, और इस एरिया से जो लोग हैं वो एक सुकून का सांस ले रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप इसका जो है वो काम शुरू कराएं। और इनफैक्ट कि मैं आपको आपकी वीडियो के तवस्सुस से जो लोग आपको देख रहे हैं और हमें देख रहे हैं तो उनको बताते चलें कि बस हमारा विदिन टू 10 डेज के अंदर जो है हम वो यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग अपना कर देंगे, ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे काम चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑफर या ये जो पैसे हमने अभी तय किए हुए हैं ये बड़े लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब प्री लॉन्चिंग, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, प्री लॉन्चिंग के अंदर भी जो है फर्स्ट 40 यूनिट्स के लिए है सेवा से। अच्छा, बिल्कुल, पहले आए पहले पाए, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जाहिर है कि जब आपकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगी तो बिल्डर की तरफ से काम शुरू जाएगा तो रेट्स में भी चेंजेस हो जाते हैं, ऐसा ही होता है, ऐसा ही चीजों होता में भी चेंजेस हो जाते हैं। टू बेड डीटी सेवा से 145 का है, 3 बेड डीटी 245 का है। इस वक्त अगर आप एतराफ में पुराने प्रोजेक्ट के अंदर भी जाते हैं, जो पुराना प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसको 15 साल 20 साल हो गए, वो आपको जो है 1.80 करोड़ 1.70 करोड़ अच्छा, के ऊपर तो 2 बेड डीटी दे रहे हैं। बस दोस्तों, बिलाल साहब ने सब बातें कर दी है, अब कोई छोड़ी नहीं है जो मैं इनसे क्वेश्चन करूं, क्योंकि इन्होंने बहुत डिटेल में जो है डिटेल्ड आपको बताया है चीजों का। इसके बावजूद भी अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आया है तो यहाँ पे आप इनका बड़ा जबरदस्त प्रोफेशनल टाइप का जो ऑफिस स्टाफ है वो बैठे हुए हैं यहाँ, जो आपका ऑफिस है इसकी टाइमिंग बता दें अगर व्यूअर्स आए तो किस टाइम। अच्छा, इसके अंदर हमारी जो ऑफिस टाइमिंग है, वैसे हमारा मुख्तलिफ ब्रांचेस भी हैं, इसमें फेडरल भी एरिया है, गुलशन मेमार में हमारा एक मेन ऑफिस है, हमारा साइट ऑफिस यहाँ पे बना हुआ है, तो उसके लिए वैसे हमारे यहाँ पे जो सेल पर्सन होते हैं वो उसामा रहमान जो मैनेजर है हमारे, उसामा रहमान होते हैं, तो आप 11 बजे से लेके शाम 7 बजे 8 बजे तक यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, आपके लिए खुद वो रहनुमाई के लिए मौजूद होंगे मिस्टर उसामा रहमान, तो अगर आप चाहें तो उनसे कंसल्ट कर सकते। तो दोस्तों नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इन नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी मौजूद है यहाँ साइट का। और मैं अगेन अपना पर्सनल आपको व्यूज बताऊं अगर, तो यकीन करें मुझे लोकेशन बहुत जबरदस्त लगी है, क्योंकि ऐसी लोकेशन कराची में अब बहुत ही रियर रह गई है, बहुत कम है ऐसे, बाहर तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे मगर ये लोकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अब कुछ रह नहीं गया है, बस आपका विजिट करना रह गया है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।